सो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल सूरज। इस वीडियो में हम देखेंगे डिटरमिनिस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा का एग्जांपल नंबर 2। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था डिटरमिनिस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा का एग्जांपल नंबर 1, उसमें मैंने आपको DFA बनाना सिखाया था। इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, अनदर एग्जांपल लेंगे किसका, DFA का। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो इस वीडियो में मैं क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट DFA, एक हमें DFA बनाना है डेट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, डेट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर 01, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर 01 ऑफ लेंथ 2। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग 01 ऑफ लेंथ 2 क्या क्या हो सकता है हमारे, 01 की सेट ऑफ 2 की क्या हो सकता है, सेट ऑफ 2 की एक हो सकता है हमारा 00, 01, 10 एंड 11। इधर हमें दो ही इनपुट दिया है, 0 एंड 1। सो लेंथ ऑफ 2 क्या होंगे हमारा एलिमेंट 01 के, 00, 01, 10 एंड 11। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं हम कैसे इसका DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे जो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरी कोई इनिशियल स्टेट होगी, मैं इनिशियल स्टेट लेता हूँ अपनी A, उस पे से अगर मैं 0.1 लूँ तो मैं दूसरे स्टेट पे जाऊँगा जो कि स्टेट होगी B। देन इधर तक मेरी क्या होगी, इधर तक हो गई मेरी मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई 1। मेरे को क्या क्या है, मेरे को क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, लेंथ ऑफ 2। ठीक है, तो मैं लेंथ ऑफ 2 के लिए, इधर तक मेरी 1 लेंथ हो गई स्ट्रिंग की। अब अगर मैं बी से भी 0 और 1 लेता हूँ तो बी से भी 0 और 1 लेके सी पे जाऊँगा जो कि होगी मेरी फाइनल स्टेट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ 2। तो रिमेंबर करिएगा लेंथ ऑफ 2 का है। तो मेरा DFA बन गया, लेकिन क्या अभी कंप्लीट हुआ है, अगर मैं 0 1 1 0 1 1 1 1 लेके जाऊँ तो फाइनल स्टेट पे तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन क्या होगा अगर मेरी एक और स्ट्रिंग आ गई फाइनल स्टेट के बाद, अगर एक और स्ट्रिंग आ गई तो मैं कहाँ जाऊँगा। सो उसके लिए मैं एक और स्टेट बनाऊँगा। अगर फाइनल स्टेट से भी मेरी कोई और स्ट्रिंग अगर मुझे मिलती है तो वो जाएगी नेक्स्ट स्टेट पे जो कि होगा हमारा डी। क्या अभी ये कंप्लीट हुआ है, नहीं अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब सोचिए क्या हो सकता है इसमें, और सोचिए हाँ, अगर मेरी यहाँ से भी अगर कोई स्ट्रिंग अगर मिलती है मेरे को तो मैं इस पे सेल्फ लूप लगा दूंगा 0 एंड 1। अगर यहाँ से भी अगर डी से भी कोई हमें स्ट्रिंग मिलती है तो वो उसी पे रिपीट होती रहेगी, और इसको हम कहते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था, इसको हम कहते हैं डेड एंड ट्रैप स्टेट। ओके, समझ आया आपको। सो अब हमारी DFA पूरी तरीके से बन चुकी है यहाँ पर। सो अब हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ स्ट्रिंग्स पास करके देखेंगे, हम एग्जांपल स्ट्रिंग लेंगे जो हम इसके ऊपर पास करेंगे, ये देखने के लिए कि हमारा DFA बिल्कुल सही बना या नहीं बना। तो आइए हम पहले अपनी स्ट्रिंग लेंगे 0, अगर मैं 00 स्ट्रिंग लेता हूँ, 00 स्ट्रिंग लूँगा तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करूँगा, ए से स्टार्ट की मैंने, ए से स्टार्ट की, 0 स्ट्रिंग लेके कहाँ गया मैं, बी पे गया, फिर मेरी 0 स्ट्रिंग देगी, फिर 0 स्ट्रिंग लेके कहाँ गया मैं, सी पे गया, तो मैं अपनी फाइनल स्टेट पे पहुँच चुका हूँ। सो मैं कह सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है मेरी। अनदर एग्जांपल लेते हैं, दूसरी स्ट्रिंग लेता हूँ मैं 00001। इसमें इस स्ट्रिंग में हम देखते हैं, अब इनिशियल स्टेट तो मेरी वही रहेगी ए से 0 लेके कहाँ जा रहा हूँ मैं, ए से 0 लेके, देखिएगा ये 0 और
इधर ए से मैं 0 और 1 लेके कहाँ जा रहा हूँ, ये ए मेरी इनिशियल स्टेट है। ये मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए डार्क कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि ये फाइनल स्टेट है, हमारी फाइनल स्टेट सी ही रहेगी। ये मेरी इनिशियल स्टेट है, ए से 0 और 1 जो भी लूँ मैं बी पे जाऊँगा, एंड बी से 0 और 1 जो भी लूँ मैं सी पे जाऊँगा, एंड सी से मैं 0 और 1 जो भी लूँ मैं डी पे जाऊँगा। देन इस एग्जांपल में मेरे क्या स्ट्रिंग है, 0 1 0, तो ए से 0 लेके मैं कहाँ गया, कहाँ गया बी पे, ए से 0 लेके कहाँ गया मैं बी पे। अब बी से 0 लेके कहाँ जाऊँगा मैं, मेरी वाली स्ट्रिंग अप्लाई कर चुका हूँ, अब बी से 0 लेके कहाँ जाऊँगा सी पे, सी पे चला गया मैं, बी से 0 लेके भी सी पे चला गया। अब सी पे देखा मैंने, अब सी पे मुझे 1 मिल रहा है, मेरी इनपुट 1 मिल रही है, तो सी से 1 लेके कहाँ जाऊँगा मैं डी पे, डी पे जाऊँगा। तो ये मेरी फाइनल स्टेट नहीं है, तो नॉन फाइनल स्टेट बोलूँगा मैं इसे, नॉन फाइनल। और ये मेरे कैसे होगी फाइनल, क्योंकि मैं स्ट्रिंग लेके अपनी सीधे फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, और मैं इसमें स्ट्रिंग लेके अपनी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच पाया, बल्कि फाइनल स्टेट के बदले मैं डेड और ट्रैप स्टेट पे पहुंच गया, जो कि है डी, डेड और ट्रैप स्टेट पे पहुंच गया। एक और स्ट्रिंग हम पास करते हैं, छोटी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं 1। तो अगर मैं 1 ए से, ए मेरी इनिशियल स्टेट है, ए से अगर 1 लेता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा बी पे जाऊँगा। मेरे पास एक ही स्ट्रिंग है, तो मैं फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँच पाया, तो इसको भी हम बोलेंगे नॉन फाइनल। समझ रहे हैं ना आप? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।